तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा। कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अरशे बरी, या रहमतुल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, और वो है ब्रूशेटा इटालियन स्नैक्स, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बआसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और वीडियो से रिलेटेड ही कमेंट दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। चार मैंने स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, और उसके बाद जो है वो एक आलू मैंने बॉईल करके उसको मैश कर लिया है। और ये परफेक्ट रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, इन्ग्रीडियंट्स जो बता रही हूँ। और दो अंडे बॉईल कर लिए मैंने, उनको काट लिया है, स्लाइसेस कर लिए उनके, और जर्दी अलहदा कर दी है। इसलिए की है कि अगर कोई पसंद नहीं करता तो वो ना डाले, और जो पसंद करते हैं वो पूरे अंडे डाल सकते हैं। और दूध है एक छोटा कप है, ये 5 टेबलस्पून के बराबर बनेगा। नमक है 1/2 टीस्पून है, और काली मिर्च है ये 1 टेबलस्पून है, और कॉर्नफ्लोर है ये 1 टीस्पून है, कॉर्नफ्लोर जो भी आप कहते हैं इसको। और एक अदद अंडा है ये फेंटने के लिए है, और उसके बाद जो है ये है चेडर चीज़ है, वैसे तो मैं घर पे तैयार करती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने बाज़ार से लिया है। और बटर है ये 3 टेबलस्पून के बराबर बटर है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर अवेलेबल ना हो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और लेमन जूस है, एक फुल लेमन जूस निकाल लेना है। और उसके बाद है ये है सब्ज़ प्याज है चॉप की हुई है एक अदद है, और शिमला मिर्च है आधी मैंने काट के इसको भी चॉप कर लिया है, और 3-4 हरी मिर्चें हैं इसको भी चॉप कर लिया है, और बेज़ल के कुछ पत्ते हैं जिससे हम अपनी ज़बान में न्याज वो भी कहते हैं, ये 2-3 पत्ते हैं इसको मैंने चॉप कर लिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले अंडा फेंटेंगे, और अच्छी तरह फेंटने के बाद इसको इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है, ये काली मिर्च डाल दी है, 1/2 टीस्पून डाला है, और नमक चुटकी समझ लें आप इसको, और ये है कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लोर जो भी आप इसको कहते हैं,
और इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें दूध डाल देंगे और एक अच्छा सा बैटर सॉफ्ट सा तैयार कर लेंगे। लेमन जूस भी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। लेमन जूस अंडे में इसलिए मैं तो डालती हूँ कि फिर बिल्कुल स्मेल नहीं आती, जो एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, दिल ख़राब होता है जिससे। तो लेमन जूस डालने से कोई भी आप अंडे की कोई भी चीज़ बनाएंगे या चिकन की, तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और दिल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये तैयार कर लिए। अब एक और बॉल लेंगे, इसमें अब बाकी मटेरियल तैयार करना है। और ये अंडे जो बॉईल किए थे ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, जर्दी भी और सफ़ेदी भी, और जो वेजिटेबल्स बताई थी ये भी सारी इसके अंदर डाल दी हैं और थोड़ी सी बचा लेनी है। और ये थोड़ी थोड़ी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसमें सब्ज़ मिर्च है और शिमला मिर्च है और सब्ज़ प्याज है चॉप की हुई। और अब इसको मिक्स करना है और इसमें फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक मैंने आपको कम बताया है, आपकी मर्ज़ी है, आप टेस्ट के मुताबिक जो है वो मिर्चें और नमक डाल सकते हैं। अब लेमन जूस भी डाल दिया है इसके अंदर, नमक भी डाल दिया है, काली मिर्च भी डाल दी है और इसको मिक्स करेंगे। और अब आलू जो है उसमें काली मिर्च और नमक जो बाकी बचा था वो डालेंगे, लेमन जूस भी सारा आप इसमें डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि मैंने अंडे में भी नमक बताया है और काली मिर्च डाली थी और लेमन जूस भी और अंडों में भी डाला था और उसके बाद जो अंडा फेंटा था उसमें भी डाला था और जो है बाकी चीज़ों में भी डाला था। तो अब स्लाइस जो है वो इसी तरह रहेंगे। उसके बाद हम काटेंगे, पहले इसको फिल कर लेंगे। सबसे पहले मैश्ड आलू जो रखे हुए हैं, इसमें नमक भी डाला है, काली मिर्च भी हसब जायका जो आप पसंद करते हैं, नमक और काली मिर्च या जो भी मिर्च आप पसंद करते हैं या नहीं करते तो उसके मुताबिक आपने डालना है। तो इसको पहले आलू मैश्ड आलू डाल दिए हैं, उसके बाद एक स्लाइस चेडर चीज़ का रख दिया है। और अगर जो चेडर चीज़ या कोई चीज़ पसंद नहीं करते तो वो बेशक ना डालें। और उसके बाद ये इस तरह हम तैयार कर लेंगे ये सारे स्लाइसेस जो है इस तरीके से। सबसे पहले जो है वो आलू मैश किए हुए वो डाल रही हूँ मैं, और उसके बाद जो है वो स्लाइस जो है वो चेडर चीज़ का, उसके बाद जो बॉयल्ड एग तैयार किए हुए हैं इसमें वेजिटेबल्स भी डाली हुई हैं, नमक और मिर्च भी डाला हुआ है, लेमन जूस भी डाला हुआ है, ये डालेंगे इसमें और इस तरीके से तैयार करते जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और कोई मुश्किल नहीं है। और ये सारी चीज़ें घर पर ही अवेलेबल होती हैं, कोई चीज़ बाज़ार से बहुत कम या चीज़ ही है जो अगर घर पे ना हो तो मंगाना पड़ेगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालें ना डालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो अपने टेस्ट पर है कि आप क्या पसंद करते हैं। तो इस तरह प्रेस कर लेंगे थोड़ी देर के लिए इसको ताकि ये फिक्स हो जाए। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से, और फिर इनको काट लेंगे इनके किनारे। और आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, कोई सी भी आप शेप इसको दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये स्लाइसेस जो हैं इस तरीके से काट के, और ये भी काम आ जाते हैं, ये ब्रेड क्रम्स भी इससे बनते हैं और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें आप जो फ्राई करते हैं चिकन वगैरह और फिंगर फिश वगैरह बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से तैयार कर लेने। ये पूरा जो है परफेक्ट मटेरियल मैंने आपको बताया है। अब इसमें चूल्हा ऑन कर दिया है, फ्राई पैन को गर्म करेंगे और उसके बाद जो बैटर तैयार किया था उसको दोबारा एक दफ़ा मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो ताकि नीचे जम ना जाए। अब
जो ब्रेड तैयार किया है मटेरियल इसमें डिप करेंगे और एक साइड से ही करेंगे, दूसरी साइड से सीधी साइड से नहीं करेंगे, उल्टी साइड से बस इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये थोड़ा सोक हो जाएगा, इसमें जज्ब हो जाएगा थोड़ा सा हल्का सा, तो उसके बाद जो है वो फ्राई पैन में डालेंगे। और मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। और अपने टेस्ट के मुताबिक, जैसे कि मैंने बताया है कि आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये मैंने आपको जो क्वांटिटी बताई है ये परफेक्ट क्वांटिटी बताई है। इससे चार आपके ब्रूशेटा स्नैक्स बनेंगे आराम से। अब बटर गरम हो चुका है, अब इसमें डालने शुरू कर दिए मैंने। आराम से एहतियात से इनको डालें ताकि ये टूटे नहीं। और ये देखिए इस तरीके से आप डालते जाएंगे। आप ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं अपने मेंबर्स के हिसाब से, मटेरियल आप जो क्वांटिटी है बढ़ा दें और उस हिसाब से आप बनाते जाएं। और रेसिपी तो यही है, उस मैंने आपको बता दी है, उसके मुताबिक आप नमक का और मसाले जो भी हैं, मिर्च का इस्तेमाल जो इसके मुताबिक करेंगे, और मटेरियल में आप इस तरह चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हल्की आंच पे मैंने कर दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे, तो लो फ्लेम पे इसको पकाना है, क्योंकि हमने इसको उल्टाना नहीं है, तो ये खुद ही जो है वो पक जाएगा और तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, थोड़ा सा इसको चेक करना है, आगे पीछे करना है इनको, लेकिन इनको उल्टाना नहीं है। तो ये खुद ही तैयार हो जाएंगे और बन जाएंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको देखते जाएं। तकरीबन हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखे रखना है, और थोड़ा सा आगे पीछे भी करते जाना है। बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेड है तो ये जल जाती है फिर। तो ये देखिए अब तकरीबन हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और ये लीजिए ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक ब्रूशेटा इटालियन स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको कोई न्यू सीखना है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ लिया करें। तो खुश रहें, सलामत रहें, सेहत के साथ रहें, और खुशियों से भरपूर लाइफ आप लोगों का मुकद्दर हो। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।